अभी मैं गाड़ी को अंदर छोड़ूंगी, जाम होने वाली और मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि धीरे 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 ये खाती है बस। गेस्ट करके बताओ मैंने क्या बनाया नाश्ते के अंदर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी अभी हम उठे हैं और आज मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जो भी अदर काम है वो आज पूरा कर लेंगे। खेत का जो भी काम है वो आज ही पूरा करना है क्योंकि फिर पढ़ाई भी करनी है, तो देखते हैं वो हो पाता है नहीं हो पाता है, बट कोशिश पूरी करेंगे कि हो जाए। सर्दी आ चुकी है आपको पता ही है, इसलिए मैंने स्वेटर निकाल के पहन लिया है। क्या करें कोई पहनता ही नहीं, मैंने बहुत दिन वेट किया कि कोई पहने तो मैं भी पहनूं लेकिन कोई पहनता ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी इसकी। अब सर्दी आ गई तो हम लेके आए हैं ये पिस्ता बादाम और काजू सुबह सुबह खाने के लिए, तो पूरे खा भी गए, इतने दिन बताया नहीं कभी व्लॉग में। अभी मैं खा रही थी सोचा था बता दूं व्लॉग के अंदर। और रात मैंने मैं एक अपने लिए एक ड्रेस लेके आई थी, बुआ जी और मेरे ननद के लिए ड्रेस लेके आए, तो मैंने भी ले ली एक ड्रेस। इसकी सुंदरी की लेस मैंने खुद अपने हाथ से लगाई है, 2-3 घंटे में लगा लेते हैं। अभी ड्राई फ्रूट्स तो खा लिए हैं, अभी मैं जाऊंगी नाश्ते में कुछ बनाऊंगी, फिर काम भी करना है थोड़ा बहुत है। अभी मैं बनाऊंगी पोहे तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत खाए है, अभी मैं नहीं खा सकती पोहे को। वो तो खा लेते पर मुझे खास नहीं लगते, अब मैंने बहुत ज़्यादा खा लिए ना, हम रोज़ रोज़ खाते थे पहले, तो अभी मैं बनाऊंगी हलवा, शायद हलवा, हाँ सेवैयों का हलवा। एक बार बनाया था भौजी आए तब, लेकिन उस वक्त मैं इतना खा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा बनाया था। तो गाइस मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा हलवा बनाती हूँ ना तब कोई नहीं खाता है, और जब मैं कम बनाती हूँ ना तब सब खाते हैं, इसलिए आज तो वैसे कम ही बनाना पड़ेगा। अभी मेरी बकरी वेट कर रही है तो मैं उसको निकाल के आती हूँ और उसके बाद क्या करते हैं बताते हैं, मतलब कैसे देख रही है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ से देख रही है क्योंकि हमने ना इस बाड़ी को इतना पैक कर दिया ना कि इसको जगह ही नहीं मिल रही है कहीं बाहर देखने के लिए। आजा बेटा, ये डर जाता है जब भी दरवाजा खोलती हूँ, इसको सर्दी बहुत लगती है। अभी इसके लिए ये बुआड़े नहीं होते क्या, इसको बिलाना पड़ेगा इसके लिए स्वेटर बनाने के लिए इसके बाड़े का। आपको पता है अभी आपको क्या करना है? क्या करना है? अभी आपको मेरी हेल्प करनी है। किसमें? अभी बाहर का काम करेंगे ना, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने मैं करूँगा। हाँ और मैंने ना नाश्ता बना दिया, आप गेस्ट करके बताओ मैंने क्या बनाया नाश्ते के अंदर। वो तो इन लोगों को पता है। चावल या पोहे में से क्या बने? चावल होगा तो मैं खाऊंगा नहीं। अच्छा पोहे होंगे तो खा लूंगा। अच्छा और इसके अलावा कुछ हुआ तो? इसके अलावा तो क्या ही हो सकता है। देखो इनको उम्मीद थी चावल और पोहे की, लेकिन मैंने आज आपको बता ही दिया कि मैंने क्या बनाया। अच्छा बता दिया क्या? हाँ क्या बनाया पता? आज मैंने बनाया सेवियों का हलवा नाश्ते के अंदर। हलवा? हाँ इतने दिन मतलब वो पिछली बार हमने बनाया था ना, इतना खा नहीं पाए थे, बुआ जी आए थे ना उस टाइम, तो अभी मैंने बनाया क्योंकि मैं पोहे से बोर हो गई और ये चावल से, तो हमने सोचा आज हलवे का थोड़ा नाश्ता कर लेंगे फिर काम करेंगे। क्यों? यस फिर घूमने भी जाना है कहीं, देखेंगे अच्छी जगह। गाड़ी को अंदर छोड़ूंगी, ये साबी लेके आ गई हूँ, लेकिन ये छोड़ने देंगे या नहीं ये पता नहीं। गाड़ी छोड़ दूँ मैं अंदर? धीरे धीरे छोड़ना छोड़। नहीं मेरे को डर लग रहा है क्योंकि वो एकदम से सामने ना, इसलिए डर लग रहा है मुझे क्योंकि मैं एकदम ब्रेक नहीं कर पाई, तो रेस मत मारना बाकी कुछ नहीं, ब्रेक पे ही पैर रखना और क्लच धीरे धीरे छोड़ जा। ओके ओके ले, पता नहीं कर पाएगी या नहीं। सर्दी का मौसम है तो ठंडी होगी, गर्मी का मौसम थोड़ी ना। धीरे 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 धीरे, ये देखो गाइस आपने देखी होंगी एकदम उठा के लेके आई, पूरी पूरी टेडी लेके आई है अंदर, यहाँ लानी थी उधर लेके चली गई, दीवार से थोड़ी सी उधर रही है। हाँ, अगर आप मुझे ऐसे दोगे ना तो मैं सीख जाऊंगी। क्या सीख जाएगी? क्योंकि मुझे पहले डर लग रहा था कि क्या मैं ले जाऊंगी या ले जा पाऊंगी, एकदम उठा के लेके आई है, लेकिन है ना अब नेक्स्ट बार दोगे ना तब मैं, अब नीचे उतर सही खड़ी करूँ मैं वापस, मैं ले लू बैग ले, धीरे धीरे ले, गियर भी लगाना नहीं आता है, कितना नंबर लगाएगी पता नहीं, ले धीरे धीरे, इतना मोड़ क्यों रहे, टायर सीधे रख सीधे रख,
कहा हंसने छोकर आपने लगा ली जाए? मैं तो सही लगाऊंगा। आप ड्राइवर हो ना इसलिए गाड़ी चलाने की। लेकिन तेरे को कितनी बार भी सिखा दूं तो नहीं सीख पाएगी। क्यों? गाइस ये हलवा कितना अच्छा बना है देख लो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाया है। कैसा बना है? आज अच्छा बना सच में। उस दिन से उस दिन चीनी ज्यादा थी। गाइस अभी हम तैयार होके जा रहे हैं मंदिर। आज द्वादशी है, मतलब बारस है, तो बस को हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। अभी हम मंदिर जाके वापस आके देखेंगे। वैसे अभी धूप तो बहुत निकल गई है तो अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलो चलते हैं फिर, अभी लेट हो रहा है। गाइस इतने सारे कपड़े हो गए, अभी शाम होने वाली और मैं कपड़े धो रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए। मैंने मतलब 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लिए क्योंकि बहुत ज्यादा काम था, मतलब इधर उधर। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हम कितने बिजी थे तो कपड़े भी नहीं धो पाए। अभी मैं कपड़े अभी तो और पड़े हैं इधर, वो कल धोऊंगी क्योंकि अभी मेरा हाथ दर्द करने लग जाएंगे। अभी तो सर्दी भी नहीं आई और तूने है ना ये लगाना शुरू कर दिया। कहाँ? पानी गर्म करने के लिए। ये बुआ जी है ना, उनको ठंडा पानी ज्यादा लगता है तो मैं तो नहीं गर्म करती। अच्छा ठीक है, धो दे फिर इधर सुखा देना। रात को 10:30 बजने आए हैं और ममता देखो क्या कर रही है। अभी विलेज चढ़ा रही हूँ, मतलब चुनरी की तार। तो हार्ड वर्क कर रही है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रही है, पढ़ाई की टेबल तो ऐसी ही पड़ी है। मैं सोच रही हूँ कि जो भी अंदर काम है ना वो कर लू, फिर ना पढ़ने बैठू ना, फिर कोई कुछ भी मतलब कोई काम नहीं करूँ। अच्छा तो ये आप कर लेना बस। चुंदरी की तारे वगैरह मैं कैसे करूंगा? इसलिए मैं चुंदरी की तार चढ़ा रही हूँ क्योंकि आप नहीं चढ़ा सकते। वैसे चढ़ाओ तो चढ़ा लो। नहीं मैं मुझसे नहीं होगा ये, हो जाए। मैं तो अपना ही काम करूंगा, ऑनलाइन वर्किंग। कोशिश करो तो पढ़ाई कर, वो किताबें तेरी इंतजार कर रही है, नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं देखो, पढ़ाई करती है। माँ सरस्वती जी बैठे हैं उधर तो ठीक है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ओके ममता आज क्या हार्ड वर्क कर रही है? ये जो कातले है ना, इसको कातले बोलते हैं ना। हाँ टूटे हुए पत्थर है। हाँ इनको इकट्ठे करके उधर डाल देंगे ताकि घर के आसपास कोई भी मतलब ऐसे कचरा ना रहे, ताकि उसमें वो सांप वगैरह नहीं आए घर में। हाँ गाइस इधर है ना, हमको एक बार है ना सांप दिखा था यहाँ पे, तो अब हम ये कचरा वगैरह जो भी है सब कुछ साफ कर रहे हैं। घर के मतलब घर के आसपास में जो भी कचरा होता है वो हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। और इधर एक नींबू का पौधा है, मैं आपको बता देता हूँ। नींबू हमेशा गंदे पानी में होता है, ये गंदे पानी में देखो कितना हरा हरा है। यहाँ से वो स्नान घर का पानी आता है ना ऊपर से, उधर से, तो ये मतलब अभी तक गहरा है, इधर से निकल जाता है। अभी मैं गया था बाजार, साथ में भाई वगैरह थे, तो आज हम बाजार इसलिए गए क्योंकि ये मकान दिख रहा है आपको, काफ़ी समय से इसका काम छोड़ा था। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ था ना उस टाइम इस मकान का काम छोड़ दिया था, तो अभी ये खिड़कियों की ग्रिल्स वगैरह और दरवाजे वगैरह, आंगन वगैरह और लाइट फिटिंग वगैरह सब कुछ इसका करवाना है, तो उसके लिए सामान वगैरह देखने गए थे। जल्दी काम स्टार्ट करेंगे वापस। और गाइस देख ममता क्या क्या खाती है आज, ममता के लिए मैं क्या क्या लेके आया हूँ देखो क्या है। ममता ये खाती है बस ये काजू और पिस्ता। और उधर क्या है वो तेली में वो कौन खाता है कचरा है? ये आपके लिए है। मेरे लिए? आपके लिए मैं ऐसे नहीं खाता हूँ। और मैं बस ऐसे मतलब ड्राई फ्रूट खाती हूँ हेल्थ के लिए जो सही हो, बाकी ये ऐसे कचरे वगैरह खा लेते, बट मैं ऐसे गाइस मैं सुबह के से वीडियो बना के डालूंगा। आधे इधर रखे हैं आधे उधर रख दिए देख है क्यों का आप अपने लिए लेके आए, मैं क्या करूं आप मेरा बता। अच्छा, देते ठीक है ठीक है मेरे लिए सही है ठीक है, मैं मेरे हिसाब से रखूंगा इसको। सो गाइस अभी हम एक कॉमेडी शूट करेंगे तो... आप इंस्टा पे देख लेना गाइस, अभी हम इंस्टा पे कॉमेडी वगैरह शूट करके डालते हैं बहुत अच्छी अच्छी, और यूट्यूब पे भी डालते ही है लेकिन सबसे पहले इंस्टा पे डालते हैं, बाद में फेसबुक पे, बाद में यूट्यूब पे, तो आप इंस्टा पर फॉलो कर ले हमें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें, और हाँ कमेंट और से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।